दोस्तों मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? तो भाई साहब, आज हम अपनी स्क्रीन पर जो अपनी गाड़ी देख रहे हैं, 2024 की न्यूली लॉन्च मारुति सुजुकी स्विफ्ट, इसके बारे में फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जो स्विफ्ट देखते थे, एक LXi आती थी, एक VXi, एक ZXi और एक ZXi प्लस वेरियंट, मगर अब कंपनी ने VXi ऑप्शनल नाम का एक वेरियंट और मार्केट में उतार दिया है और बहुत से लोग इसको मिनी कूपर कह रहे हैं। ग्रिल से देखोगे एस्टन मार्टिन लगती है, कोई मेसराटी बोलता है, कोई मिनी कूपर, कोई रेंज रोवर, पता नहीं क्या क्या इसमें मिक्स कर दिया है कंपनी ने। इसके बारे में ही सारी बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, वन बाय वन करेंगे सारी चीज़ें, एक एक करके आपको गिराने की कोशिश करूंगा। तो भाई साहब, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ओके, और वीडियो में थोड़ा सा प्यार दिखाना, कमेंट करना अच्छे अच्छे से। तो अब शुरू करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट लुक से, ठीक है। फ्रंट में देख लो भाई साहब, डायमेंशंस वही हैं, थोड़ी सी चेंज कर दी गई है जो इसका बोनट का लुक है। ओवरऑल एंड टू एंड शोल्डर तक इसकी लेआउट पूरी की पूरी चेंज होती है, मैं यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ्रंट से बात करेंगे तो भाई साहब, इसके आप हेडलैम्प्स देख लो, अंदर ग्लॉसी ब्लैक कलर का हेलोजन का सेटअप, हाई बीम एंड लो बीम का यही काम करेगा, और क्रोम की एक छोटी सी लाइनिंग जो ये दे रखी है यहाँ पे, इससे चार चांद लग रहे हैं, ठीक है। पूरा हैलोजन का सेटअप है, नीचे इंडिकेटर का बल्ब मिलेगा और यहाँ पे बराबर में इंडिकेटर के बराबर में पायलट लैंप मिल जाएगा। नीचे फोग लैंप का ऑप्शन नहीं है, एक्सेसरीज आप लगा सकते हैं, कंपनी ने ऑफर किया हुआ है। वहीं अगर आप ग्रिल पे नज़र मारोगे, थोड़ी सी एस्टन मार्टिन की याद दिलाती है पूरी की पूरी, क्रोम की एक लाइनिंग जो बड़ी प्यारी सी लाजवाब तरीके की हमें यहाँ पे दिखती है। ऊपर मारुति सुजुकी का लोगो और इस गाड़ी का ये रेड कलर जो दिल जीत रहा है देखने के बाद, बिल्कुल आई कैप्चर्ड और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ब्लैक कलर। नीचे कुछ क्लाइटिंग टाइप का यहाँ पे बम्पर में दिया गया है जो कि इसे पूरा का पूरा स्पोर्टी फील करा रहा है। विड्थ की बात करूँगा, 1735 mm, यानी कि पहले वाली ही वही चौड़ाई मिलती है। साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो इसमें 14 इंच के टायर मिलते हैं विथ व्हील कैप, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, डिस्क ब्रेक के साथ साथ ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट जैसी चीज़ें इसमें आपको यहीं देखने के लिए मिल जाती है। वहीं इसकी लेंथ की बात करेंगे अगर हम, तो इसमें आपको 3860 mm की लेंथ मिलती है। बॉडी डोर कलर ही आपको यहाँ पे हैंडल और रिक्वेस्ट सेंसर मतलब गाड़ी आपको ऑफर कर रही है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहे हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल मिल रहे हैं। इस गाड़ी पे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्सेसरीज के पार्ट बहुत सारे लगे हुए हैं, जैसे कि ये ब्लैक कलर की बिडिंग है, इसके ऊपर क्रोम का काम है, और ORBM देख लो, इसके ऊपर भी एक्सेसरीज का ही पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। कंपनी ऑफर करती है, आप चाहो तो लगवा सकते हो, ठीक है। और इसका व्हील बेस जो है 2450 mm का, जो कि बढ़ गया है, ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है पहले वाला। पीछे की तरफ आते हैं, ऑल पीछे की जो ये टेल लैंप है, ये जो लैंप है पहले सी टाइप की मिलती थी, अब उल्टी सी दे दी गई, ऑलवेज ऑन मोड में जलती हुई दिखाई देंगे। यहाँ पे आपका इंडिकेटर, नीचे स्टॉप लैंप और ऊपर आपको रिवर्स सेंसर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चार चार रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। स्विफ्ट की बेजिंग, बीच में मारुति सुजुकी का लोगो, और यहाँ पर आपको मिल जाता है डिफोकर, वाइपर नहीं मिलता, वाइपर की कमी है वैसे। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और उसके ऊपर शार्प एंड एंटीना, ये सारी चीज़ें देखने के लिए इसमें आपको मिलती है, वही पहले वाली डायमेंशन से, मगर इसके पीछे के टेल लाइट का जो लुक है पूरा चेंज कर दिया गया है। 37 लीटर का फ्यूल फिलर कैप कैपेसिटी इसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। बार बार से सारा रिव्यू हो गया, गाड़ी के अंदर से भी बात करेंगे थोड़ी सी। पहले आप इसका फ्रंट लुक देख लो, मैंने आपको चारों तरफ से वो कवर करा दिया है। मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना किस तरीके की लग रही है हमारी न्यूली लॉन्च 24 मारुति सुजुकी स्विफ्ट। सबसे पहले चाबी दिखाना चाहूँगा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, इस तरीके की रिमोट की मिलती है, और यहाँ पे 3D इफेक्ट में कुछ इस तरीके के कुशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। सॉफ्ट टच भी मिलता है, क्रोम का डोर हैंडल मिल जाता है, 4 पावर विंडोज यहाँ मिलती हैं। ORBM इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड एडजस्टेबल दोनों चीज़ें ही आपको इसमें मिलती हैं, यहाँ से इस बटन से कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, नीचे आपको बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। चारों दरवाजों में स्पीकर ग्रिल मिलती है, चारों दरवाजों में एक एक स्पीकर ग्रिल। अब बात करते हैं इसकी सीट्स की, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक सीट कवर का काम किया गया, यानी एक्सेसरीज का पार्ट है, सीट कवर यहाँ पे लगाए हुए हैं। ऐसे सीट कवर आपको कंपनी से नहीं मिलते हैं, आप चाहे तो लगवा सकते हैं, कंपनी ऑफर करती है। और सीट कवर के अंदर ही, सीट्स के अंदर ही आपको एयरबैग मिलते हैं, इसी यानी कि गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से ही एयरबैग मिलने शुरू हो जाते हैं। 2 कर्टन्स पे, 2 सीट पे, 2 पीछे, यानी कि 6 एयरबैग इस गाड़ी में आपको देखने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट देख लो, बहुत ज़्यादा बढ़िया। हाइट एडजस्टमेंट इस गाड़ी में नहीं मिलती है सीट्स में आपको।
फ्रंट से दिखा दिया, अब गाड़ी के अंदर की बात कर लेते हैं। माहौल पूरा ब्लैक्ड आउट है, 7 इंचेस के यहाँ पे ये टच डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्टेड है और बहुत सारे तमाम फीचर भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग का वही पूरा पुराने वाला सिस्टम है, बट यहाँ पे 3D में कुछ उभार उभार के यहाँ पे दिया गया है। बीच में एक MID है, यहाँ पे आपको टैको दिया गया है पूरा 3D शेप में, बीच में एक MID और यहाँ पे अपना स्पीडोमीटर हो जाता है। पूरा रेड कलर की थीम के साथ यहाँ पे बनाया गया है, जो कि इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, चार चांद लगा रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात हो गई। अब इसके बाद बीच में जो MID आप देख रहे हैं, इसमें आगे की पैसेंजर के साथ साथ पीछे की जो सीट्स होगी उसके भी सारे टेम्परेचर आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया भाई साहब बीच में जो MID है उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अब स्टेयरिंग की बात करेंगे, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ें चेक कर लेते हैं। एडजस्टेबल है, टिल्ट है, बट टेलीस्कोपिक यहाँ पे ये नहीं है, तो कंपनी ने इस चीज़ की कमी कर दी। मल्टीमीडिया के कुछ यहाँ पे कंट्रोल्स हैं जो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, और नीचे ये वाले जो कंट्रोल्स आप देख रहे हो ये वॉइस कमांड के कंट्रोल्स हैं, यानी टेलीफोनिक कंट्रोल्स। ठीक है, यहाँ पे आपका वाइपर का स्टॉक एंड यहाँ पे हेडलैम्प का स्टॉक मैनुअली देखने के लिए मिलेगा, कोई इवेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। ये वाला जो बटन देख रहे हैं आप, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है, पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप के बराबर में, और ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का इंजन का बटन है। ठीक है, नीचे डेड पेडल भी मिल जाता है, हजार्ड लाइट का बटन यहाँ पे मिल जाता है। अब करते हैं AC की बात। AC ये वाला ना मैनुअल है ना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, बट आपको ऑटोमेटिक लग रहा होगा देखने में, बट ये ऑटोमेटिक नहीं, डिजिटल है। डिजिटल AC का मतलब जो हमें नॉब मिलते थे वो चीज चेंज कर दिए। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको, इसको कनेक्ट करने के लिए USB वगैरह उसका काम यहाँ पे कर सकते हो। फोन रखने के लिए जगह है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब इसमें बैक गियर लगाते हैं, एंगेज करते हैं, तो यहाँ पे आपका सराउंडिंग कार का पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देती है। ग्लोब बॉक्स की डेप्थ देख लो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और IRBM इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट के लिए मिल जाते हैं। ऊपर एक LED की लाइट, ऊपर माइक, और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलते हैं, बराबर में आपको वैनिटी मिरर। ठीक है जी, ये हो गया अंदर का पूरा माहौल, अंदर की पूरी बातचीत हो चुकी है। थोड़ी सी पीछे से बात कर लेते हैं, पीछे से हम दरवाजा खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। 3D के जो इफेक्ट्स दिए गए हैं वही मिल जाएंगे। पावर विंडो का स्विच है, नीचे आपको बोतल होल्डर का स्पेस, ग्रिल है स्पीकर वाली, और जो यहाँ की सीट्स है पीछे की, पूरे सीट कवर लगे हुए हैं। हेडरेस्ट आपके फिक्स है, कोई एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। पीछे 3 लोग बड़े आराम से बैठेंगे इस कार के अंदर। बस स्विफ्ट के बारे में तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, डायमेंशंस थोड़ी सी चेंज हुई है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। अंडर थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया। लेग रूम, नी रूम की बात करेंगे तो देख लो, और पीछे बैठने के बाद ना आपको ऊंचा ऊंचा सा फील होगा, ऐसा नहीं है ड्राइवर के बराबर में आपको बैठ के नीचा देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल उससे भी ऊंचा ऊंचा फील हो रहा होगा। एक कप होल्डर मिल जाता है पीछे, और यहाँ पे एक ऊंचा सा हंप मिल जाता है देखने के लिए। हंप जो है वो पहले भी स्विफ्ट में इसी तरीके का मिलता था, जो कि अब मिल रहा है। ठीक है, बातचीत हो गई। पीछे बूट स्पेस की भी बात करेंगे। बूट स्पेस यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर टाइप वाला बटन दे रखा है बूट स्पेस खोलने के लिए। यहाँ पे आ गई आपकी पार्शल ट्रे, नीचे आ गया बूट स्पेस 268 लीटर का, वही पुराने वाला, पहले भी इतना ही मिलता आया स्विफ्ट में, जो कि अब मिल रहा है। कुछ हुक्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं नहीं सामान वगैरह टांगने के लिए, यहाँ पे सामान टांग सकते हो। और नीचे जो हमारा स्पेयर व्हील है वो देख लेते हैं एक बार। स्पेयर व्हील हमारा इसमें मिलने वाला है 14 इंचेस का, यानी कि सेम ही साइज़ है, छोटा नहीं है। ज़्यादातर गाड़ियों में 1 या 2 इंच छोटा स्पेयर व्हील दिखा रहे हैं आजकल। अब बात करेंगे लास्ट मोमेंट वाली जो हमारी रह गई है, वो है हमारे बोनट की और इंजन के बारे में स्पेसिफिकेशन। डेड पेडल भी है गाड़ी के अंदर, डेड पेडल वहाँ पे देख सकते हो, मैंने बताया नहीं उसके बारे में, बोल के बता रहा हूँ। डेड पेडल भी है गाड़ी के अंदर, 3 पेडल के साथ डेड पेडल भी मिलता है। बोनट ओपन करते हैं अगर हम, तो बोनट ओपन कर लेते हैं एक बार, हो गया। बोनट ओपन करने के बाद इस तरीके की डिजाइनिंग देख लो, कवरिंग बड़ी अच्छी दी गई है ऊपर, इसका तो क्लाइटिंग वगैरह करके बहुत ज़्यादा बढ़िया दी गई है। 1200 cc का वही वाला पुराने वाला इंजन आपको देखने के लिए मिलता है, जेड सीरीज वाला इंजन इसमें, 1200 cc का जेड सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन, पावरफुल वाला। पावर की बात करूँ 81 bhp के टॉर्क, 1 न्यूट्रल मीटर का टॉर्क इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ABS EBD की यूनिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है इंजन में, और ऊपर से देखेंगे आप पूरी क्लाइटिंग वगैरह करके बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से अच्छे से किया गया है। इसे कर देते हैं बंद, तो ये हो गई हमारी पूरी गाड़ी की वीडियो एंड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ भाई साहब इसकी जो प्राइसिंग है वो मैंने आपको नहीं बताई, डिस्क्लोज नहीं की है, क्योंकि थोड़ा सा ना कुछ आपका अंदर रहना भी तो चाहिए, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हों और जिसकी वजह से आपको वीडियो देखने के लिए अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और कैसी लग रही है हमारी न्यूली लॉन्च 2024 की स्विफ्ट, मतलब ये जो इसमें क्रोम की लाइनिंग दी गई है, इसके हेडलैम्प्स में ये आपको दूर से देखने के लिए मिलेगा, DRL दी गई है बहुत ज़्यादा बढ़िया, डायमेंशन चेंज हो गई है। आप इसको साइड से देखोगे, मुझे तो थोड़ा थोड़ा फील मिनी कूपर का तो सभी बोल रहे हैं, बट मुझे रेंज रोवर का भी यहाँ से फील आ रहा है। अगर इसके आप यहाँ से ग्रिल देखोगे लोगों के नीचे, तो एस्टन मार्टिन में ये वाली ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। 2 गाड़ी का कॉन्सेप्ट हो गया, मारुति ने पता नहीं क्या बना दिया है। और इसके नीचे का जो बम्पर है, बम्पर के नीचे एक स्पोर्टी फील कराने के लिए ब्लैक कलर की क्लाइटिंग का यूज़ किया गया है, तो ये भी मेरी तो समझ से बाहर है। आप मुझे कमेंट में जाके बिल्कुल बताना कि आप
आपको कैसी लग रही है हमारी न्यूली लॉन्च स्विफ्ट, जो कि मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको वो अच्छे लगे तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को भी शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना। और ये एंड टू शोल्डर तक का जो इसका ये पार्ट है ना, जो बिल्कुल मस्कुलर वाला फील दे रहा है, ये तो चार चांद लग रहा है। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।